हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग माइंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। टुडे वी विल लर्न अबाउट ब्लड। वी हैव ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, ओके, जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। नाउ व्हाई कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज ब्लड जो होता है सारे ही बॉडी सिस्टम को कनेक्ट करता है, ओके। इट कनेक्ट्स ऑल द बॉडी फंक्शंस, ऑल द बॉडी सिस्टम। देन इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। सो ये इसीलिए ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देन ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज डीप रेड कलर्ड, ओके। उसका कलर कैसे होता है? डीप रेड कलर। देन इट इज सॉल्टी इन टेस्ट एंड उसका pH इज 7.4। 7.4 मीन्स इट इज alkaline, slightly alkaline. The main components of blood are plasma एंड ब्लड सेल्स, ओके। ब्लड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है ये ब्लड। वो कंपोनेंट्स है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। सो लेट्स सी व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली एक पेल येलो कलर्ड फ्लूइड होता है, दैट इज क्लियर एंड इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन क्यों कहते हैं हम? बिकॉज जो pH है दैट इज ग्रेटर देन 7, ओके। सो प्लाज्मा इज येलो कलर, क्लियर एंड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, ओके। इट इज अ फ्लूइड। देन इट्स मेन कंपोनेंट्स आर वाटर, प्रोटीन्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जिसमें कि 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज कंप्राइज ऑफ वाटर एंड देन 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं एंड 1 to 2% ऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा हैज डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज इन इट, ओके। जैसे कि एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर थ्रू आउट द बॉडी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। देन देर इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इज बेसिकली अ एंटीबॉडी जिसका काम होता है टू प्रोटेक्ट, दैट इज फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड पैरासाइट्स, माइक्रोब्स जो भी बॉडी के अंदर घुसते हैं उनके साथ फाइट करने का काम किसका होता है? ग्लोबुलिन का। देन देर इज क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रॉम्बिन, ओके। ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा होगा, आपको जब भी कभी चोट लगती है तो अगर इफ इट्स नॉट अ वेरी डीप कट, बहुत जल्दी से ब्लड फ्लो रुक जाता है। अब दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग, ओके। हमारा ब्लड क्लॉट होता है ताकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है दैट स्टॉप्स, ताकि हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड बाहर ना जाए। सो क्लॉटिंग एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है। सो क्लियर विद प्लाज्मा? प्लाज्मा इज पेल येलो इन कलर। कैसा होता है उसका कलर? कैसा होता है? पेल येलो होता है। देन इट इज क्लियर, अल्कलाइन है। अल्कलाइन क्यों है? बिकॉज pH लेवल 7 से ज़्यादा है एंड डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट आर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ओके। सो ब्लड सेल्स में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। लेट्स सी ईच वन इन डिटेल। रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल एंड राउंड इन स्ट्रक्चर, ओके। बहुत ही छोटे से होते हैं एंड गोल होते हैं। दे आर एन्यूक्लिएटेड। नाउ एन्यूक्लिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आरबीसी का, जिसके वजह से आरबीसी के अंदर बहुत ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ना फर्स्ट हम समझते हैं कि एन्यूक्लिएटेड होता क्या है। एन्यूक्लिएटेड मतलब आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है दैट इज रिमूव्ड आफ्टर मैच्योरेशन, ओके। आफ्टर मैच्योरेशन जब सेल्स फॉर्म होते हैं, सेल्स कहाँ? ये रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो में। जब बोन मैरो से सेल्स बन जाते हैं एंड आफ्टर मैच्योरेशन, दैट इज वो सेल प्रॉपरली डेवलप होने के बाद उसका जो न्यूक्लियस है उसे रिमूव कर दिया जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन न्यूक्लियस इज रिमूव्ड। अब इससे क्या हो जाएगा? सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होता है फॉर हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पूरे सेल के अंदर कवर हो सकता है एंड हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्ट करना, एब्जॉर्ब करके उसे ट्रांसपोर्ट करना. सो हेमोग्लोबिन का कंटेंट जब आरबीसी के एक सेल के अंदर बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन कंटेंट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड. ओके, सो एन्यूक्लिएटेड मतलब आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. इससे सिंपल अगर हम कहें, बिकॉज न्यूक्लियस नहीं है और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते आरबीसी के अंदर, तो ज़्यादा स्पेस मिल जाता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ओके, नेक्स्ट, इट अपियर्स रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन. ओके, ये आपने टर्म काफ़ी सुना होगा. हेमोग्लोबिन इज़ वेरी एसेंशियल. आरबीसी को रेड कलर इसी हेमोग्लोबिन की वजह से मिलता है. देर आर अराउंड 50 to 60 lakh ऑफ आरबीसीज इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर. ओके, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, दैट इज एम 3, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, लाइक इफ यू कैन सी, इतना छोटा सा, आई थिंक इवन स्मॉलर देन दिस, दिस वुड बी 1 क्यूबिक मिलीमीटर. इसके अंदर यू हैव अराउंड 50 to 60 lakh ऑफ आरबीसीज. ओके, इतने सी स्पेस में 50 to 60 lakh है, तो हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा होंगे. देन दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. हमारी बॉडी में बोन मैरो पे आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं. देन दे लिव फॉर अबाउट 100 to 127 days. दैट इज, एक रेड ब्लड सेल जो होता है उसका लाइफ ड्यूरेशन 100 to 127 days होता है. आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी. ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन. सो आरबीसीज या स्मॉल एंड राउंड एन्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है. हेमोग्लोबिन की वजह से रेड इन कलर है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. द मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. Now let's understand what is white blood cells, that is WBCs. WBCs थोड़े लार्ज सेल होते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं. ओके, यहाँ इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. देन दे आर कलरलेस सेल, उनको कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है. हमने देखा था आरबीसी रेड कलर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, बट WBCs को कोई कलर नहीं होता है. नेक्स्ट इज, देर आर अराउंड 5,000 to 10,000 WBCs इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर. ओके, 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर इतने WBCs प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 5,000 to 10,000 ऑफ WBCs. ओके, WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो. देन दे एक्ट एज सोल्जर्स. एज इनका काम क्या होता है, WBC का मेन फंक्शन क्या है, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस या माइक्रोब्स. जो भी हमारी बॉडी में एक्सटर्नल चीज़ें आती है, फॉरेन बॉडीज जो भी एंटर होते हैं, उनसे फाइट करने का काम होता है WBCs का. ओके, सो बेसिकली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करता है, या फिर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट होता है WBCs. देन दे अटैक पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. जो भी डिफरेंट डिजीज कॉसिंग बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि हम बीमार ना गिरे. वाइट ब्लड सेल्स के अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक बेसोफिल्स, इजोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ये सभी कंपोनेंट्स के अपने अपने काम होते हैं, दे हैव देयर ओन फंक्शंस. यू डू नॉट हैव functions of these different components in detail. हम उसे start नहीं करेंगे अभी. You will have these things in detail when you go to higher standards. Okay, at present you have to just remember कि ये components हैं WBCs के. WBCs के types हैं, ठीक है, जैसे कि basophils, eosinophils, neutrophils, monocytes and lymphocytes. Clear? Now let's understand what are platelets. Platelets are extremely small and disc shaped. There are around 2.5 to 4 lakh of platelets per mm cube. सेम, हम सभी काउंट को पर mm cube में बता रहे हैं, दैट इज क्यूबिक मिलीमीटर. ओके, ये एक छोटा सा ड्रॉप भी नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट स्मॉल, वेरी टाइनी. टू कंपेयर विद, आप एक राई का दाना, दैट इज मस्टर्ड सीड, सबको पता है वो जो दाना होता है, एकदम छोटे वाले जो राई मिलते हैं, यू कैन बेसिकली कंपेयर 10 mm cube विद दैट. ओके, सो उतने से स्पेस में 2.5 टू 4 लाख ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं. देन देयर मेन फंक्शन इज टू पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. ओके, हमने प्लाज्मा में देखा था फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रॉम्बिन प्रेजेंट थे, उनका काम था ब्लड क्लॉटिंग करना.
उनके साथ प्लेटलेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस. ओके, ब्लड को क्लॉट करना मतलब ब्लड फ्लो को स्टॉप करना उसे हार्डन करने के बाद, तो उसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं. प्लेटलेट्स बेसिकली गेट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. ओके, सो प्लेटलेट्स भी रेस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में. सो दिस वॉज अबाउट ब्लड. देन लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड का सबसे पहला काम है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना. हमने चैप्टर के स्टार्ट में सीखा था लाइक लंग्स से एल्वियोलाई के थ्रू कैपिलरीज में गैसेस दैट इज ऑक्सीजन पास ऑन होता है. इस ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का काम होता है. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूसर है उसे वापस लंग्स तक लेकर आना. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी अपनी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचाने का काम होता है ब्लड का. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. बॉडी के अंदर जो भी सिंपल न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सभी अपने लोकेशन में पहुंचाना, अपने स्पेसिफाइड लोकेशन में पहुंचाने का काम होता है ब्लड का. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. ओके, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि अमोनिया, यूरिया, ये सभी कुछ रिलीज हो जाता है ब्लड में टिश्यू के थ्रू. ओके, एंड इस वेस्ट मटेरियल्स को कहाँ तक पहुँचाना होता है? किडनी तक फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस. वहाँ पे वो प्रोसेस कंडक्ट होगा एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू आर इंटेस्टाइन्स. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. हमारी बॉडी में डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. तो ये एंजाइम्स को अपने अपने टारगेटेड पोजिशन तक, टारगेटेड जगह तक पहुँचाने का काम ब्लड का होता है. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड इज थर्मोरेगुलेशन. ना थर्मोरेगुलेशन मतलब हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, दैट इज आर बॉडी इज ऑलवेज एट मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर अराउंड यू, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं. ये थर्मो रिसेप्टर्स कोई भी चेंजेस डिटेक्ट हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी को एडजस्ट कर देता है. वो एडजस्टमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैसोडिलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन. ओके, ये दो प्रोसेस है जहाँ पे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर उसे मेंटेन करके रखता है. भले ही एनवायरमेंट में कितना भी डिग्री बढ़ जाए या कम हो जाए, अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी उस हिसाब से एक्ट करता है ताकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे. ओके, सो वैसलोडेशन में बेसिकली ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो सके स्किन के सरफेस पे. ओके, स्किन के सरफेस पे ज़्यादा ब्लड फ्लो हो एंड अकॉर्डिंगली अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये ब्लड फ्लो की वजह से जो भी ट्रैप्ड हीट है बॉडी के अंदर वो निकल जाएगा. एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो और छोटे हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट लॉस कम हो जाता है एंड बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है. दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग. ओके, बट आपको टर्म्स याद करना है. वैसोडिलेशन वार्मर क्लाइमेट्स में हमारी बॉडी को नॉर्मल रखता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से कोल्डर क्लाइमेट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. ओके, सो यू डो नॉट हैव टू गो मच इन डिटेल अबाउट इट. थर्मोरेगुलेशन मीन्स बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना, वो ब्लड का ही काम होता है. ओके, ये दो प्रोसेसेस वैसोडिलेशन एंड वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है. देन देर आर लॉट ऑफ मिनरल्स इन आर बॉडी जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सभी चीज़ों को मेंटेन्ड करके रखना, बैलेंस करके रखना इज़ वेरी एसेंशियल, फिर ही हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है. तो ये काम भी ब्लड का होता है. ओके, सो दीज वेर द फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड का फंक्शंस क्या क्या है? ज़्यादातर आप देखोगे तो सारा ही ट्रांसपोर्टेशन है. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स को किडनी तक पहुंचाना, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को अपनी अपनी लोकेशन में पहुंचाना, थर्मोरेगुलेशन दैट इज बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना 37 डिग्री सेल्सियस तक इवन दो बाहर का क्लाइमेट चेंज हो, देन मिनरल्स को बैलेंस करके रखना. क्लियर? सो नेक्स्ट विल लर्न अबाउट ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स.
हमारे ब्लड में दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. ओके, सो एंटीजन पे डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा. लेट अस लुक एट दैट. अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट है, ओके, द प्रोटीन एंटीजन ए अगर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इट विल बी ए. एंड इफ एंटीजन बी इज प्रेजेंट देन आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इट विल बी बी. एंड ए बी कब होगा, जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे. ओके, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों जब आपके ब्लड में प्रेजेंट होगा तो योर ब्लड ग्रुप विल बी ए बी. कैन यू टेल मी ओ कब हो सकता है, ए बी में ए और बी दोनों प्रेजेंट है इसीलिए ए बी कहलाता है. तो ओ में दोनों ही एब्सेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ये दोनों एब्सेंट होते हैं इसीलिए इसे हम कहते हैं ओ. बेसिकली यहाँ पे उसका मतलब है जीरो, ठीक है, इट इज एब्सेंट. सो क्लियर, एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होता है, एंटीजन बी है तो बी, एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी, एंड एंटीजन ए एंड बी एब्सेंट है तो ओ. अपार्ट फ्रॉम दीज एंटीजन हमने अक्सर सुना है हमारा ब्लड ग्रुप के साथ एक पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर भी लगाया जाता है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव. सो वॉट इज पॉजिटिव हियर, इट इज रीसिस. ओके, रीसिस कहते हैं इसे, जिसका शॉर्ट में हम लिखते हैं आरएच फैक्टर. ओके, उसे आरएच फैक्टर कहते हैं. तो आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव कब कहते हैं, जब आरएच प्रोटीन आपके ब्लड में प्रेजेंट होगा तब उसे कहते हैं पॉजिटिव, अगर आरएच नहीं है तो इट वुड बी नेगेटिव. ओके, सो टोटल आपने देखा कितने ब्लड ग्रुप्स फॉर्म हुए थे पहले एंटीजन के बेसिस पे, चार. ओके, आरएच के बेसिस पे उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू टू. ओके, सो टोटल एट ब्लड ग्रुप्स होते हैं. जैसे कि पहला ए है, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इट कैन बी आइदर ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया, अगर आरएच प्रोटीन है तो इट विल बी ए पॉजिटिव, एंड आरएच नहीं है तो इट विल बी नेगेटिव. नेक्स्ट ब्लड ग्रुप क्या है, बी. सो इट कैन बी आइदर बी पॉजिटिव अगर आरएच है तो, अगर आरएच एब्सेंट है तो इट वुड बी बी नेगेटिव. देन नेक्स्ट इज ए बी. ए बी कैन बी पॉजिटिव इफ आर एच इज देयर, एंड ए बी कैन बी नेगेटिव इफ आर एच इज एब्सेंट. नेक्स्ट ब्लड ग्रुप इज ओ. सेम, ओ में भी, ओ में अगर आर एच है तो ओ पॉजिटिव, अगर आर एच एब्सेंट है तो ओ नेगेटिव. क्लियर, सो टोटल कितने हुए, देयर आर टोटल एट ब्लड ग्रुप्स. ओके, सो दिस मच इज क्लियर. तो हमने देखा ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं ना. आपने अक्सर बहुत सारे कैंपेन्स देखे होंगे जहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंपेन्स हमेशा होते रहते. सो दीज कैंपेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्लड डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन सेव अ लाइफ. हाउ, लेट अस सी दैट. अब ब्लड डोनेशन एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे एक पर्सन विलिंगली, ओके, कोई फोर्सफुली नहीं देता, विलिंगली ब्लड दिया जाता है या डोनेट किया जाता है ऐसे पर्सन को जिससे उसकी जरूरत होती है. ओके, सो ब्लड डोनेशन एक प्रोसीजर है जहाँ पे पर्सन विलिंगली अपना ब्लड डोनेट करता है टू अ पर्सन हु इज इन नीड. 1st of October इज कंसिडर्ड एज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे. 1st of October में आप देखोगे कि बहुत सारे जगह पे कैंपेन्स होते हैं. वैसे तो अक्सर ब्लड डोनेशन कैंपेन्स कोई ना कोई स्पेशल डेज पे कंडक्ट किया ही जाता है, बट 1st October इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे. ओके, सो ब्लड डोनेशन हम विलिंगली दे रहे हैं, बट क्या ऐसा नहीं होगा कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं एंड हमें ही ब्लड कम पड़ जाए, इट नेवर हैपन्स. वाई, बिकॉज ह्यूमन बॉडी हमेशा ब्लड को प्रोड्यूस करता देता है. ओके, अब ब्लड डोनेट कौन कर सकता है, एनी पर्सन हु इज हेल्दी. ओके, जो भी हेल्दी पर्सन है प्लस 18 ईयर से ऊपर के होगा. ओके, सो यू आर टू स्मॉल to donate blood, but whenever you get a chance, when you become an adult, do consider donating blood because it is considered as one of the best donations. Okay, aap kisi ki life bacha sakte ho. So not now, when you become an adult. Blood continuously produce ho raha hai, kaun de sakta hai blood, a healthy person jiska age 18 years se upar ho. Then ब्लड कितना कलेक्ट किया जाता है, 350 ml इज कलेक्टेड, नॉट इवन हाफ अ लीटर. ओके, 350 ml ब्लड अगर हम डोनेट करें तो हमारी बॉडी को कुछ हार्म नहीं होगा उससे. ओके, कितनी बार कर सकते हो आप, 3-4 times a year. क्लियर, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए.
द मेन फैक्टर इज यू शुड बी हेल्दी. ओके, आप अंडर वेट हो, आपको कोई डिजीज़ हो, तो यू कैन नॉट, इवन इफ आप विलिंग हो, बट आपके हेल्थ फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ब्लड डोनेशन के टाइम पर. सो इफ यू आर नॉट हेल्दी, यू कैन नॉट डोनेट ब्लड. सो हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड फॉर 3 to 4 टाइम्स अ ईयर. क्लियर? सो ब्लड डोनेशन क्या है, प्रॉपरली समझा आपको? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैरी आउट किया जाता है एक पर्सन की बॉडी में जब ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है, सडनली कुछ एक्सीडेंट हो गया या एनी फॉर एनी रीजन, अगर एक पर्सन की बॉडी में सडन लॉस ऑफ ब्लड है. सी, हमने देखा ब्लड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है, बट वॉट विल हैपन अगर सडनली आपका ब्लड बहुत सारा क्वांटिटी में आपकी बॉडी से चला जाए? तो एट दैट टाइम योर बॉडी कैन नॉट रिप्रोड्यूस लाइक इमिडिएटली. सो ऐसे कंडीशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉम्पेंसेट दैट लॉस. वो ब्लड का जो भी शॉर्टेज है उसे कॉम्पेंसेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इस प्रोसीजर को कहते हैं हम ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि ब्लड डोनेशन के बाद आपका जो भी ब्लड कलेक्टेड है वो कलेक्टेड ब्लड को जो भी पर्सन इन नीड है उनके पास पहुंचाया जाता है. ओके, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है समझा आपको? Now let's understand what are blood banks. Blood banks are where blood is collected by specific methods. Blood bank में blood store किया जाता है. एक certain तरीके से blood को collect करते हैं, जो कि blood donation campaign से जो भी bloods आते हैं, जो भी लोगों के blood collect किए जाते हैं, उसे certain स्पेसिफिक मेथड यूज करके उसे स्टोर किया जाता है. ये ब्लड को जो भी पर्सन इन नीड है, जिसको भी अर्जेंटली ब्लड की जरूरत पड़ती है, उसे उस पर्सन तक पहुंचाया जाता है. ब्लड को काफी दिनों तक रेफ्रिजरेट ठंडे जगह पे लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जा सकता है. सो बैंक्स में हमारे मनी होता है, सो ब्लड बैंक में ब्लड होता है. ओके, ब्लड स्टोर किया जाता है ताकि जिसको भी रिक्वायर्ड हो उसे टाइम पर वो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का ब्लड उस तक पहुंचाया जा सके. क्लियर? सो हमने समझा ब्लड बैंक्स क्या. अब किसे ब्लड डोनर कहते हैं? जो पर्सन ब्लड को डोनेट करता है, दूसरों को ब्लड देता है, उसे हम ब्लड डोनर कहते हैं. ना वैसे तो सभी लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो सभी को ब्लड डोनर कहलाया जाता है, बट एक सर्टन ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं. वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? इट इज ओ. ओके, नाउ व्हाई ओ? ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता. एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ आर एब्सेंट इन ओ ब्लड ग्रुप. ओके, ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन ए, राइट? अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए विल नॉट कंसिडर ब्लड ग्रुप ओ एज फॉरेन बिकॉज इसमें एंटीजन नहीं है. ओके, यहाँ पे एंटीजन नहीं है, इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले का बॉडी ओ को फॉरेन मटेरियल नहीं मानेगा. उसका इम्यून सिस्टम उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू ए ब्लड ग्रुप. सिमिलरली बी और ए बी में भी होता है. ओके, बिकॉज ओ में कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए इन ब्लड ग्रुप्स वाले पर्सन के बॉडी को लगेगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी इटसेल्फ. वो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा. अगर एंटीजन होता ओ में, हम इसे ओ यूनिवर्सल डोनर कहते नहीं, बिकॉज वो रिएक्ट करता एंटीजन ए के साथ. ओके, अगर सपोज ओ के अंदर एंटीजन ओ होता, तो एंटीजन ओ और एंटीजन ए दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते एंड वहां पे ब्लड जम जाता, ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाता. ओके, सो ओ ब्लड ग्रुप क्यों डोनेट कर सकते हैं? बिकॉज उनके अंदर एंटीजन्स नहीं होते, इसलिए वो कोई भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं. जैसे ब्लड डोनर्स होते हैं, ब्लड रेसिपियंट्स भी होते हैं. ब्लड रेसिपियंट्स किसको कहते हैं? ब्लड रेसिपियंट्स जो ब्लड को रिसीव करते हैं, दूसरों से ब्लड ले रहे हैं, उन्हें हम ब्लड रेसिपियंट कहते हैं. अब इनमें भी यूनिवर्सल रेसिपियंट होते हैं, सभी रेसिपियंट्स हो सकते हैं, बट यूनिवर्सल रेसिपियंट मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं. ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? ए बी. ओके, इट इज ब्लड ग्रुप ए बी. ए बी को यूनिवर्सल रेसिपियंट कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. तो एंटीजन ए एंड बी है, तो वो ब्लड ग्रुप ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बिकॉज ओ के अंदर ही कोई एंटीजन नहीं है. क्लियर? सो ए बी ब्लड ग्रुप वालों को हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपियंट. क्लियर? Now let's understand what is blood pressure. The pressure exerted on the walls of arteries of due to the contraction of the heart is called as blood pressure. Heart के अंदर हमने देखा था arteries होता है. अब arteries के अंदर से blood flow होता है. Heart जब contract होता है तो उसके अंदर जो arteries होते हैं, arteries के अंदर से blood pass हो रहा है, तो arteries के walls पे कितना pressure गिर रहा है, उस pressure को कहते हैं
ब्लड प्रेशर. ओके, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है. हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब जो प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर. एंड नेक्स्ट इज डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हार्ट रिलैक्स होता है. ओके, सो प्रेशर को दो टर्म्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट रिलैक्स होता है, तब जो प्रेशर रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, एक हेल्दी पर्सन में, ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm टू 139/89 mm. ये नॉर्मल प्रेशर कहला जाता है. ओके, अ हेल्दी पर्सन विल हैव दिस मच ब्लड प्रेशर. अब ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं? इफ़ यू हैव बीन टू हॉस्पिटल विथ योर एल्डर्स, आपके साथ आप कभी गए हो उनका बीपी चेक करने के लिए, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस मशीन. इस मशीन को कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर. ओके, स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो लिख कर पढ़ना इसे, स्पिग्मोमैनोमीटर. ओके, सो ब्लड प्रेशर हमने देखा हेल्दी पर्सन में कितना होता है, 120/80 to 139/89. जो डिवाइस से ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर. कुछ लोगों में अक्सर सुना जाता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, ये क्या होता है? हाई प्रेशर इज व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल. हमने देखा नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, इस नॉर्मल प्रेशर से जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसे रेफर किया जाता है एज हाइपरटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर हार्ट. हार्ट में अंडर नॉर्मल प्रेशर दिस इज द वे ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज. ब्लड हार्ट के अंदर से, आर्टरीज के अंदर से इट इज पासिंग, नॉर्मली पास होता है जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है. बट जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड फ्लो डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉपरली हार्ट के अंदर ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है. ओके, दैट इज़ वाई हार्ट को ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ता है फॉर देयर फ्लो. ब्लड फ्लो होने के लिए ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है. तो अंडर हाई प्रेशर दिस इज हाउ ब्लड फ्लोज प्रॉपर नहीं जा पाता, इट के नॉट पास ऑन स्मूथली. सो दिस कंडीशन इज रेफर टू एज हाइपरटेंशन. ओके, हेमाटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो कि ब्लड ऑर्गन्स और ब्लड डिजीजेस के रिलेटेड जो स्टडीज होते हैं उस फील्ड को, उस ब्रांच को कहते हैं हेमाटोलॉजी. दिस इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको आ सकता है. ये ब्लड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसकी स्टडी को कहते हैं हेमाटोलॉजी. क्लियर? सो दिस फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन द चैप्टर. अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. दिस इज श्रीजा साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.